नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त लंग कैंसर से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें थर्ड स्टेज कैंसर है। संजय दत्त इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इस स्टेज को काफी खतरनाक माना जाता है। दत्त फैमिली की हिस्ट्री में कैंसर कई बार पाया गया। संजय दत्त की माँ और दिग्गज अदाकारा नरगिस को भी कैंसर था, तो वही संजय दत्त की पहली पत्नी भी कैंसर से ही पीड़ित थी और उन्होंने भी इसके चलते अपनी जान गंवा दी थी। संजय दत्त सिर्फ 22 साल के थे जब उनकी मां का साया उन पर से हट गया था। साल 1981 में नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर था। दरअसल शुरुआती इलाज में उन्हें पता नहीं था कि वो कैंसर से ग्रस्त हो गई है। उन्हें पीलिया का अंदेशा था, तभी उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। नरगिस का वजन भी बहुत कम हो गया था। ऐसे में जब वो मुंबई के अस्पताल ब्रिज कैंडी पहुंच गई तो उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। करीब 15 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रही। नरगिस को इलाज के लिए न्यूयॉर्क भी ले जाया गया। इलाज के बाद नरगिस जब भारत वापस आई तो उनकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। इसके बाद हालत इतनी खराब हो गई कि वो कोमा में चली गई। इसके बाद वो कैंसर से जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसके अलावा संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा की मौत भी कैंसर के चलते हुई थी। ऋचा से संजय की एक बेटी त्रिशाला है, जो अपने नाना नानी के पास रहती है। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर था। संजय से उनकी शादी 1987 में हुई थी और शादी के 2 साल के भीतर ही उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ था। उन्होंने लंदन में काफी समय तक कैंसर का इलाज कराया था। 1996 में कैंसर के कारण ऋचा की मौत हो गई थी। बता दें कि हाल ही में सांस लेने में परेशानी की शिकायत पर उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी कोविड जांच भी हुई थी, जिसमें नतीजा नेगेटिव आया था, जिसके बाद खबर आई कि संजय दत्त को थर्ड स्टेज कैंसर है। उनके फेफड़ों में कैंसर होने की जानकारी मिली। इसका खुलासा उनके करीबी दोस्त ने किया। फिलहाल बताया जा रहा है कि संजय दत्त कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका रवाना हो रहे हैं। इस खबर के बाद से ही संजय दत्त के फैंस उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं।